अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज का हमारा ब्लॉग जो है वो है हमारी ट्रैवलिंग का। जब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, और मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ, तो लगभग मैं 10 महीनों के बाद अपनी अम्मी से मिलूँगी। तो मैं आपके साथ मेरी जर्नी और वहाँ मैंने क्या किया वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, हम 6:30 बजे से घर से निकल गए थे और आफ्टर 2 आवर्स हम पहुंच गए थे स्टॉप पर, जहां पर बच्चों ने और मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया था। और उसके बाद हम वापस बैठ जाएंगे बस में। तो फिर नाश्ता पानी से फारिग होकर हम वापस बैठ जाएंगे बस में, और फिर और 2 घंटे का सफ़र है जो हमें तय करना है। तो अब हमारी बस जो है चल पड़ी है, तो चलिए आपको थोड़ा सा व्यू बता देते हैं। तो जी, आप सोच रहे होंगे कि कोरोना में मैं बाहर निकली हूँ, तो जी मैंने सारी एहतियात बरत ली थी और हम तीनों की वैक्सीन भी हो चुकी है। और जाते वक्त मैंने डॉक्टर से चेकअप भी करवाया था। माशाल्लाह हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। और जिस बस में हम ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर भी काफ़ी एहतियात उन्होंने बरती है, और एक सीट पर एक ही पैसेंजर को लिया था उन्होंने, तो वैसे भी कोई बात नहीं थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो, बाहर भी लोग इसको सीरियस ले रहे हैं और एहतियात से हमें ले जा रहे हैं और ला रहे हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं भावनगर। तो यहाँ के भी कुछ आप रोड्स और सर्कल्स देख लीजिए। ये सिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल शांत है। जहाँ मेरी अम्मी रहते हैं वो एरिया बहुत ही अच्छा है। पहले भावनगर जो है वो इतना अपडेट नहीं हुआ था, अब माशाल्लाह से बहुत बहुत प्रोग्रेस हो गई है इस सिटी में भी। तो चलिए देखिए, अम्मी के घर आ गए हैं और उनकी बिल्डिंग का नाम है टाइम रेसिडेंसी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और काफ़ी थकान लग रही थी क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग बाहर निकले थे या ट्रैवलिंग की थी, तो उस वजह से और आसमा और उजमा की थोड़ी तबीयत नासाज हो गई थी। तो जी, इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी और नेक्स्ट डे की मैंने क्लिप स्टार्ट कर दी थी। तो अब हम जा रहे हैं वर्तेज के लिए। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था है, ये लॉन का है, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने ज़्यादा कोई हैवी कपड़े नहीं लिए थे, पर ठीक है, लॉन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब अम्मी और मैं और आसमा जा रहे हैं, और अज्जू आपको नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वही सारा कुछ शूट कर रही थी, और वो ना हो तो मेरा वीडियो कभी ना बने। थैंक यू, लव यू बच्चा। तो जी, हमारा प्रोग्राम जो है पहले से तय था, इसलिए अम्मी ने कैब बुक करवा ली थी। वैसे तो हम अपनी गाड़ी में जाते थे, लेकिन भाई और वो लोग थोड़े से काम के लिए निकल गए थे, तो फिर हमने कैब मंगवाई थी, और रिक्शा में जाना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। तो मैं, मेरी सिस्टर, आसमा, हम सब गए थे, और उसके 2 बच्चे, हम सब इकट्ठा गए थे। और मेरा बिल्कुल यहाँ पर आने का मकसद यही था कि बीच में रमज़ान में आसमा जो बीमार हो गई थी, तो हम सब ने मन्नत ली थी, वो मुझे अदा करनी थी और इसे ज़री पर लेकर आना था। तो चलिए, आपको मैं, यहाँ पर जो है रोज़ा है इमाम हुसैन का और हज़रत अब्बास का है, तो वहाँ पर मुझे इसकी मन्नत अदा करनी है, तो मैं पहले वहीं आई थी। तो यहाँ पर जो है ज़री मुबारक है, बिल्कुल सोने और चांदी की बनी हुई है, तो आप भी देखें और दुआ मांगें। और काफ़ी दिनों के बाद और अरसों के बाद, समझ लीजिए, आई थी मैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर इतना सुकून मिल रहा था और इतनी रूहानी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं कुछ अच्छी जगह पर आ चुकी हूँ और सारे मेरे दुख दर्द जो है मुझे यहीं बयान कर देने हैं। और मेरा मानना है, तब तक हम, जब तक वलियों और इमामों से मदद नहीं मांगते, तब तक हमारा कोई गुजारा नहीं है। तो दुआ मांगते रहिए, क्योंकि दुआएँ जो हैं हमारी तकदीरों को बदल देती है। तो जी, यहाँ पर मन्नत अदा करने के बाद मैं जा रही हूँ वर्तेज। और वर्तेज जो अगर टूर में गए हैं जो गोगा दरिया पर घूमने, तो उन्हें याद होगा कि ये वर्तेज रोज़े पर ज़रूर लेके जाते हैं। तो चलिए, आप भी दीदार कर लीजिए ये रोज़े का। और मैं बचपन से यहाँ आती हूँ क्योंकि भावनगर है जो मेरा ननिहाल है, तो हमें बचपन से यहाँ आना बहुत पसंद है, और अब तो ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो इन रोज़ों पर कोई बंदिश नहीं है कि कौन सी एक ही कम्युनिटी यहाँ पर आकर दुआ मांग सकती है। यहाँ पर जो है हर तरह के लोग आते हैं, और जहाँ से आप माने तो यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा आते हैं और अपनी मन्नतें अदा करते हैं।
तो यहाँ पर भी हमें बहुत सुकून मिलता है और अपनी मुरादें यहाँ पर ज़रूर ज़रूर मांगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबकी मुरादों को पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी यहाँ पर आई थी तो मेरी भी मन्नत अदा करनी थी और मेरी सिस्टर की भी थी। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है हीना, उसको भी थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट हो गया था, तो हम काफ़ी घबराए हुए थे और हमने दुआ और दवा दोनों की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक और सेहतयाब है मेरी सिस्टर। और हम सब यहाँ पर मन्नत अदा करने आए हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे हज़रत अब्बास के रोज़े पर। तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ, चलिए। तो मैं और मेरी अम्मी चल रहे थे और अम्मी के पैरों में काफ़ी दर्द है, वो भी 2 साल से तकरीबन बाहर नहीं निकले थे और यहाँ आने के लिए डर से तैयार हो गए थे। तो हमने कहा चले आप भी थोड़ी दुआ करें, क्योंकि माँ जो दुआ मांगती है अपनी औलाद के लिए है वो कभी ज़ाया नहीं होती। तो बहुत सुकून मिला यहाँ पर आकर और ऐसा लगा कि सारा बोझ जो है हमारे दिल का हल्का हो गया और सारी दुआएं यहाँ पर मांगी और बहुत अच्छा लगा। तो ये जो रोज़ा है जो बिल्कुल करबला में है, उसी का बिल्कुल हम शक्ल यहाँ पर बनाया है। तो जिस किसी को भी दुआ मांगनी है तो अपने हाथ उठाइए और दुआ मांग लीजिए, अल्लाह ताला आपकी हर दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं और उसी से थोड़ी दूर है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के फासले पर इमाम हुसैन का रोज़ा है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और ये आपको जो ग्रीनरी दिख रही है, ये बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बनाया गया है और थोड़े से झूले डाल दिए हैं। तो ये जो है आलम मुबारक है, जिसे निशान भी कहते हैं, ये काफ़ी बड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है ये सोने और चांदी से बनी हुई जरी है, तो आप इसका ऊपर गुंबद का भी जो है व्यू देखें, बड़ा प्यारा लग रहा था। अगर हम शाम को लेट आए होते तो ये सारी रोशनी जली हुई होती, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मैं जाऊँगी तो आपको मैं उसका व्यू भी बता दूँगी। तो जी मेरे वीडियोस और ब्लॉग बहुत कम आ रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि पूरा रमज़ान मैंने आसमा के पीछे गुजार दिया, क्योंकि उसे टाइफॉइड हुआ था और हम लोगों के रोज़े भी चल रहे थे, सारा काम मैं और अज्जू संभाल रहे थे। तो उसके बाद जो है रमज़ान के बाद 8 दिन मेरी तबीयत भी बहुत बहुत बुरी रही है। अब थोड़ा सा हौसला हुआ है तो अम्मी के घर जा के आई हूँ। अब इंशाल्लाह मेरे पास पहले की बहुत सारी क्लिप्स और रेसिपी पड़ी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप लोगों का साथ है और मोहब्बत है जो अब तक मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं और दरगुजर भी कर रहे हैं मेरी नहीं आने वाली वीडियोस के लिए भी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पर्सनली भी बहुत कहा जा रहा था कि आप ब्लॉग्स डालें, रेसिपी डालें, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो जाएँ। तो यहाँ से फारिग होकर अब हम जाने लगे हैं घर की तरफ। और ये अली और अर्श है जो बड़े मज़े कर रहे हैं, ये थोड़ा सा राइड्स भी लेंगे, झूले भी खा लेंगे। तो आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत रोज़ा लग रहा था। तो हम अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर मरहूमिन को भी शामिल करें कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और हमारे मरहूमिन को जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। तो जी हमारा भावनगर का लास्ट क्लिप है, आप देख लीजिए। और हम अब डायरेक्ट मिलेंगे अहमदाबाद के लिए जब हम रवाना होंगे तब। इस बीच मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है तो प्लीज़ सॉरी। तो जी अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं 2 दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और अब बज रहे हैं 6:30। तो अभी हमें वापस से बस में बैठना है और वही ट्रैवलिंग करके अहमदाबाद पहुंचना है।
तो जी अम्मी के घर 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और इस दौरान मेरे हस्बैंड के 3-4 फ़ोन आ गए थे कि वापस आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो 10 महीने के बाद अगर बंदा जाता है तो 8 दिन तो बनते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, पर भाई बहन और बच्चों से मिलकर मुझे बहुत सुकून मिला कि अगला 1 साल तो आसानी से कट ही जाएगा। तो ये जब तक हम घर पर थे तो मुझे लग रहा था कि शायद सारे के सारे घर में हैं, पर यहाँ पर आकर देखा तो आप खुद देखें, ऐसा लग रहा है कि कोई कोरोना नहीं है और सब अपनी अपनी तरह से बाहर जा रहे हैं। और मैं तो खामखाई डर रही थी कि बाहर नहीं जाना है, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले, पेपर्स वाले सारे हमें ऐसे ही न्यूज़ बता रहे थे। और हिम्मत करके जब बाहर निकले हैं तो पता चला है कि सारा कुछ नॉर्मल है। अच्छा किया जो मैं निकल गई और अपनी अम्मी भाई बहन से सबसे मिल चुकी हूँ और मुझे बहुत सुकून मिला है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से हम खैरियत से घर पर पहुँच चुके हैं। और घर की जो एंट्री ली है हमने गली की, तो एक अलग से सुकून आ रहा था और बड़ी सी स्माइल आ गई थी कि अल्लाह ताला ने हमें खैरियत से अपने घर तक पहुंचा दिया है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हमने सोसाइटी में एंट्री कर ली है और फर्स्ट टाइम मैंने आपको अपनी सोसाइटी दिखाई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे हैं और अच्छे हैं। तो सबसे लास्ट में है जो आखिर में मेरा घर दिख रहा है, चलिए आपको अपना घर दिखाते हैं। एक्चुअली आपने तो पहले से ही देखा हुआ है, पर व्यू आपने मेरी सोसाइटी का नहीं देखा था। तो माशाल्लाह से आ गई है हमारी मंजिल। शुक्र मौला कि मैं अपने घर तक पहुंच गई हूं और मैंने अपने घर को बहुत मिस किया है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी अपने पौधों की थी, तो माशाल्लाह से बाहर से ही देख लिया है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ये है मेरी बर्ड्स जिनको मैं अभी बहुत मिस कर रही थी, और ये मुझे देख कर काफ़ी चहचहाने लगी थी क्योंकि 4 दिन बाद इन्होंने मुझे देखा है, तो मैं भी इन्हें देख के बड़ा खुश हुई थी। तो चलिए अब यहाँ तक ही था मेरा ब्लॉग, और आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर ज़रूर शामिल रखिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।